गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 4 और टॉपिक है गुजरात की सैर, ये पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चे ये कहानी नहीं है, ये पत्र है शिवानी ने अपनी फ्रेंड स्नेहा को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ये बच्चों डेट डाली हुई है, डेट के नीचे उसने लिखा है, प्रिय स्नेहा, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने, पहले मैं बच्चों सबसे पहले मैं रीड करूंगी, फिर उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। सब बच्चे अपनी बुक खोलो और बुक खोल कर अपनी पेंसिल और बुक में पेंसिल या फिंगर रख के पढ़ो, ठीक है, और ध्यान से सुनना सब बच्चों ने। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मजे किए। मैं और मेरा भाई केशव भी इन छुट्टियों में नाना जी के घर गुजरात गए थे। ये तो तुम जानती ही हो कि वहाँ नवरात्रि, बेटे नवरात्रि क्या होता है, नवरात्रों का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है, जगह जगह मेले लगते हैं। पहले ही दिन नाना जी ने मेला घुमाने का कार्यक्रम बनाया। हम मेले में पहुँचे तो हमने देखा गुजरात का गरबा नृत्य, वहाँ का डांस, कहाँ का, गुजरात का डांस, जो मेले में चार चांद लगा रहा था। चार चांद लगाने का मतलब, एक तो वो सुंदर है ही है, उसमें और सुंदरता बढ़ाना, तो इट मीन चार चांद लगाना। गरबा देखकर मेरा भी मन मचल उठा, फिर क्या था, हमने भी गुजराती वेशभूषा होता पहनावा, वहाँ का जो भी रीति रिवाज है, कपड़े, गुजराती वेशभूषा पहनकर गरबा नृत्य का खूब आनंद लिया। वहाँ के लोगों का पहनावा कुछ कुछ राजस्थानी जैसा लगता था। लड़कियों ने घाघरा और चोली जैसे कपड़े पहन रखे थे। लड़कों की भी विशेष पोशाक थी, जिसे चोरनों और कदयू कहते हैं। अब बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि शिवानी और उसका भाई केशव गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के घर गए थे। तो वहाँ पे नवरात्रों का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। तो पहले ही दिन नाना जी ने उनको घुमाने का प्रोग्राम बनाया बच्चों। तो वो मेले में पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे गुजरात का गरबा नृत्य जो था वो मेले में चार चांद लगा रहा था। तो गरबा देखकर उन लोगों का मन भी मचल उठा, फिर क्या था बच्चों, उन्होंने भी वहाँ की गुजराती वेशभूषा पहन ली और नृत्य का खूब आनंद लिया। अब वहाँ के लोगों का पहनावा कुछ कुछ बच्चों राजस्थानी जैसा लगता था, जैसे राजस्थानी लोग पहनते हैं वैसे ही लगता है कि वहाँ के लोग भी ऐसी ही ड्रेस पहनते हैं। लड़कियों ने घाघरा और चोली जैसे कपड़े, ये देखो आप देख ही रहे हो ये पिक्चर की तरफ, है ना, ये इस फोटो में देखो तो इन्होंने, लड़कों ने क्या पहना हुआ है, लड़कों ने ये इस ड्रेस को कहते हैं चोरनों और क द य को बड़ा ऊ कहते हैं, ठीक है, कदयू। तो इसमें आगे क्या बताया गया बच्चों, मेले में जाएं और कुछ खा पी कर ना आए तो मौज मस्ती का रंग फीका पड़ जाता है, नाना जी हमें एक अच्छे से होटल मिलेंगे। तो आप बच्चे भी जब मेले में जाते हो तो ये तो हो नहीं ना सकता कि आप वहाँ पर कुछ ना खाएं, कुछ ना कुछ आप बच्चे जरूर लेते हो, खाते हो, मौज मस्ती करते हो। तो इन लोगों ने भी ऐसे किया कि मेले में जाएं और कुछ खा पी कर ना आए तो मौज मस्ती का रंग फीका पड़ जाता है। तो इसलिए नाना जी उनको एक अच्छे से होटल में ले गए। अब बच्चों इधर सोचिए और बताइए, ये आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, गुजरात में कौन सा त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, होली या नवरात्रि? तो बच्चों जो सही उत्तर है वो है नवरात्रि। इसी के साथ बच्चों पेज नंबर आ जाओ 28 पे। 28 पे क्या बताया गया है कि वहाँ पर हमने, फिर देखो 28 पे और फर्स्ट लाइन देखो, वहाँ पर हमने गुजराती थाली का स्वाद चखा, यहाँ का खाना नमकीन भी लगता है और इसमें मीठेपन का स्वाद भी आता है, यहाँ पर हमने थेपला, खांडवी और ढोकला भी खाया। तो गुजराती व्यंजन वहाँ पे कौन कौन से फेमस हैं, थेपला, खांडवी और ढोकला। आगे है, मेरा भाई अब थक चुका था इसलिए हमें घर वापस लौटना पड़ा। तो वहाँ से ये लोग दोबारा घर वापस
आ गए। अगले दिन उन्होंने क्या किया बच्चों ने, अगले दिन सूर्य की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आई। आज हमारा अगले दिन उनका प्रोग्राम था कहाँ जाने का बच्चों, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या होता है, नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर है, गुजरात में ही है। तो ये लोग वहाँ पे लगभग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। सच में ये राष्ट्रीय उद्यान किसी घने जंगल से कम नहीं था। मतलब वहाँ पे घना जंगल क्या होता है बच्चों, जो भीड़ होता है, भीड़ किसको बोलते हैं, यहाँ आपको पेड़ ही पेड़ दिखाते हैं, जगह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। वहाँ पे उन बच्चों ने वहाँ पे क्या देखा, तेंदुआ, लकड़बग्घा, नील गाय, सांबर और पशु पक्षियों के बाद एशियाई शेर को भी देखा। अब नाना जी ने क्या बताया उनको, एक विशेष बात बताई। वो क्या बताई कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा ये इकलौता ऐसा स्थान है यहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ घूमने, अगले दिन वो कहाँ घूमने गए बच्चों, वो गए गिर राष्ट्रीय उद्यान में। वहाँ उन बच्चों ने क्या देखा, तेंदुआ, लकड़बग्घा, नील गाय, सांबर आदि पशु पक्षियों के बाद उन्होंने एशियाई शेर को भी देखा। तो उसके बाद उनके नाना जी ने उनको क्या एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा ये इकलौता ही, ये अकेला ही एक ऐसा स्थान है यहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों गुजरात में हम जितने दिन रहे, नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर करवाई। तो अगले दिन, उसके अगले दिन वो लोग कहाँ सैर करेंगे, इन लोगों ने सोमनाथ मंदिर, द्वारका अधीश मंदिर और पोरबंदर भी देखे। इन जगहों की भी सैर की। एक बात बताना तो भूल ही गई, नाना जी हमें कच्छ करण भी दिखाने लगे। ये कच्छ करण क्या जगह है, यहाँ पे चढ़कर आप रेगिस्तान दूर दूर तक देख सकते हो। ठीक है, दूर दूर तक रेगिस्तान आपको नजर आएगा। सच में इन लोगों को खूब मजा आया। गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस कहाँ आ गए, ये अपने घर दिल्ली आ गए। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, लेकिन स्कूल की छुट्टियां जो खत्म हो गई। अब शिवानी कहती है, मेरा तो गुजरात में बहुत दिन तक रहने का मन था, लेकिन मेरी गर्मी की छुट्टियां जो थी वो ख़त्म हो गई थी और मजबूरन मेरे को अपने घर दिल्ली वापस आना पड़ा। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ, अंकल और आंटी को मेरी नमस्ते कहना, तुम्हारी दोस्त शिवानी। तो बच्चों ये थी स्टोरी। तो आपको पता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बच्चों क्या हमें उधर देख सुन के हम क्या है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, जिससे हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो संदेश बच्चों, संदेश भी हमें यही मिलता है। क्या संदेश मिलता है, ये देखो नीचे इधर दिया हुआ है संदेश। संदेश क्या है, भ्रमण से ज्ञान में वृद्धि होती है। भ्रमण होता है घूमने से, ज्ञान होता है नॉलेज, वृद्धि होती है बढ़ना। तो घूमने फिरने से भी हमारी क्या होती है, ज्ञान में हमें नॉलेज आती है, हमारे नॉलेज बढ़ती जाती है। तो बच्चों आप लोगों भी अगर चांस मिले तो आप लोग भी घूमने फिरने जाना, और फिर क्या करना, एक दूसरे को बताना, इससे आपकी नॉलेज जो है वो और भी बढ़ेगी। इसी के साथ बच्चों हम आ जाते हैं शब्द अर्थ पे। ठीक है, शब्द अर्थ है हमारे बच्चों, ये आपने कॉपी पर लिखने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखने हैं। ठीक है, ये आपका कॉपी वर्क है। पहला है बच्चों पत्र, है पत्र, चिट्ठी, नृत्य, नाच, पोशाक, पहनने का कपड़ा, आवास, निवास जहाँ स्थान, धूमधाम, उल्लास, पूरन, आनंद, उल्लास जहाँ हर्ष, उद्यान, वन, वाघ, कार्यक्रम, प्रोग्राम भी कह सकते हो, ये छोटा वर्ड है, अब इसको भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, बड़ा रहने दो, अब छोटा ही लर्न करो। प्रोग्राम, रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक बालू हो, प्राकृतिक, प्रकृति से उत्पन्न, इकलौता,
अकेला, ये वर्ड मीनिंग थे, ये बच्चों आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इसी के साथ मौखिक है, मौखिक प्रश्न, ये पत्र किसने किसको लिखा ये आपको पता है, ये आप खुद भी करोगे क्योंकि उसने कहा सोचिए और बताइए, ये आपके लिए है, आपने सोचना है और बताना है। ये पत्र किसने किसको लिखा आपको पता ही होगा, शिवानी ने स्नेहा को पत्र लिखा। नाना जी ने शिवानी और केशव को कहाँ कहाँ घुमाया, सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और पोरबंदर। शिवानी और केशव गुजराती कपड़ों में कैसे दिख रहे होंगे, कैसे दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर। अब इधर आ गया लिखित, लिखित में हम क्या करेंगे, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है। जो सही होगा वहाँ पे हमने सही का निशान लगाना है, जो गलत होगा वहाँ पे हमने गलत का निशान लगाना है। ये पत्र केशव ने अपने दोस्त को लिखा, तो बच्चों ये गलत है, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया इधर गलत का निशान लगाएंगे। पहले दिन नाना जी ने मेला घूमने का कार्यक्रम बनाया, ये सही है। गुजराती पहनावा राजस्थानी पहनावे जैसा है, ये भी सही है। आगे दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। क पाठ है बच्चों, गुजरात का नृत्य है कौन सा है, भांगड़ा, गरबा, कथकली। तो हमारा उत्तर है बच्चों गरबा। ख पाठ है, गुजरात में कहाँ पर दूर दूर तक रेगिस्तान नज़र आता है। तो बच्चों तीन दिए हैं, तो जो सही उत्तर है वो है हमारा कच्छ, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ क्लास वर्क ख़त्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।